ताटवाने जगमान लोभा जानवी ताटवाने जगमान लोभा दखीने निताय जान वामे गदाधार दखीने निताय जान वामे गदाधार निकटे अद्वैताशिनी वासा छत्र धार अद्वैताशिनी वासा छत्र धारा बोसिया छे गौरा चान रत्न सिंहासने बोसिया छे गौरा चान रत्न सिंहासने आरती कोरे ना ब्रह्मा आदि देव गाने आरती कोरे ना ब्रह्मा आदि देव गाने नर हरि आदि कोरी चमार दुलाया नर हरि आदि कोरी चमार दुलाया संजया मुकुंदा वासु घोषादि गाया संजया मुकुंदा वासु घोषादि गाया शंख बजे घंटा बजे बजे करताल मधुर मृदंग बजे परम रसाल बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्वाल गल दे से बन माला कोरे जल माला सुख नारद प्रेम गदा गादा भगति विनोद देखे प्रेम रसुंदर भगति विनोद देखे गौरा रसंपद जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान आरती कोरे ललिता दि सखी गान मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर कृष्ण मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर शिखी पूछे चूड़ा मनोहर पीताम्बर शिखी पूछे चूड़ा मनोहर ललिता माधव बामे वृष भानु कन्या नील बसन गौरी रूपे गुण धान्या नाना विधि अलंकार कोरे जलमाला हना विधि अलंकार कोरे जलमाला हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल विशाख दि सखी गन नाना रागे गाय विशाख दि सखी गन नाना रागे गाय प्रिया नर्म सखी जातो चमर दुलाय प्रिया नर्म सखी जातो चमर दुलाय शिरन दुलाय रे चमर दुलाय चमर दुलाय रे चमर दुलाय राधा कृष्ण आदि कोरे चमर दुलाय राधा कृष्ण आदि कोरे चमर दुलाय जय राधे बोले चमर दुलाय जय राधे बोले चमर दुलार ललिता विशाखा आदि चमर दुलार ललिता विशाखा आदि चमर दुलार श्री राधा माधव पद शरति दुभाषे
गति विनोद सखी पर सुखवास। राधे राधे गोविंद जय जय, राधे राधे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गो, जय जय राधा रमण हरि गो, जय राधा रमण हरि गो, जय 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 जय राधा रमण हरि गो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, देखो अंधेरा कर रखा है, ऐसे नहीं है। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद मैम जी। हरे कृष्णा जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरि हरि जी महाराज जी। आज टाइम पे शुरू कर टाइम पे शुरू करने की कोशिश करो। नया टाइम टेबल बनाया, लास्ट में करेंगे तो फिर लास्ट में करेंगे थोड़ी, फिर तो फिर आप ही बोलोगे जल्द देरी हो रही है, देरी हो रही है। कुछ काफी जन आते करे नहीं जाने जो आज देखी ना बहुत लोग यहाँ पे है महाराज जी, अच्छा नहीं लगे सबको बिना सबके आप बिना कोई है। अच्छा कोई प्रभु जी है महाराज जी, टेबल हटा दो। हरे कृष्णा जय जी की बात चंदन जी महाराज थोड़ी देर लगा ठंडा है। गिरिराज महाराज की जय। हाँ मिस्टर हो
हरे कृष्णा हरे कृष्णा Oh, okay. Very good. Yes, and you? Everything very good. I do a little swimming for you today. Just for you. And I go to Mr. T, Dr. T's. And I, you know, I already do. I go to Dave's room, looking very nice. No more bad, because every month I go. Every month I go to make sure. Very nice. Yeah. Thank you. Very nice. Oh, I have avocados. Avocado. Yeah. Gurudev came to me in my sleep last night. He came to me in my sleep last night. I was sleeping, and I go upstairs, and he said, no, come with me. It was very nice. Thank you, Srila Maharaj, thank you. गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ सोए हुए भाग्यों को नाथ जगावो सोए हुए भाग्यों को नाथ जगावो नाथ जगावो नाथ जगावो भवन जो पार लगा देना भवन जो पार लगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना अपना तुम तो
Karuna
ठाकुर वैष्णव बहुत बढ़िया ठाकुर वैष्णव अलग अलग वैष्णव का कीर्तन है उसको रोज रोज गाने पर क्या होगा एक तो अलग अलग वैष्णव का कीर्तन मिल जाएगा अलग अलग महिमा वैष्णव का अलग अलग महिमा पर आपको पता चलेगा वैष्णव Maharaj is saying that when we are singing Vaishnava Kirtan, normally in Brisbane we are sticking to one type of Kirtan pattern. So he's saying that every time, every day you should sing different Kirtans, different Vaishnava Kirtans, so that each Vaishnava Kirtan has been written by different acharyas, different Vaishnavas, so that way we'll honor all of them. And also the mood of each Kirtan is a little different, so it's better to do different Kirtans every time. Yeah, like this Kirtan written by Bhaktivinoda Thakur.
But some kirtan written by Narottam Das Thakur. Very, very niceness. Evar karuna karo Vaishnava Gosain. You know, Thakura Vaishnava Pada, Avanira Susampada. And Kirupe Paiva Seva, Muni Durachar. And there are many, many glories of Vaishnava. So, it's like every day singing different Vaishnavas. Anybody else? Okay. Somebody, Prabhu, can sing in song? You? To sing what song? I don't know very many. Come on. Okay. I know one of the lecture, and that's about it. Hare Krishna, you can sing in song? You want to you? Sing? Me? Yeah. Okay. Which one? Goranga Bhai, do you have it? 86. 86? I don't know actually. Huh? Yeah, 86. Page 86. Very nice. Yeah, very nice. Like a computer. I don't think we're single of not all the time. Goranga Bali Te Habe Pula Kadari Thank you.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गर शिव सदि धरा भक्त वृंद हिंदी भाषी लोग है ना, ये जो कीर्तन है ये बंगला में कीर्तन है, और ये जो कीर्तन को जो गाने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े संत हैं,
बहुत बड़े बड़े संत हैं, कहते इनके कीर्तन को अगर हम करें तो कहते ये कीर्तन करने का लाभ क्या है। प्रभु आप थोड़ा ट्रांसलेशन कर दें, आप जाओ पीछे अब बोलो, मैं बाद में बोलता हूँ, मैं वोट टू वोट में बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा कोशिश करो, मैं बहुत व्याख्या करूँगा। अच्छा भैया समझो, आज ये कीर्तन को पूरा ही कथा ही इनके साथ साथ में धीरे धीरे बोलते हैं। ही कैन टू थोड़े से जोर जोर से बोला, जोर से बोला उनको जैसे सुनाई पड़े। हरे कृष्ण। हाँ देखो, यहाँ पर कहते हैं जो बहुत सारे भजन हम गाते हैं, जैसे हिंदी भाषी लोग हम लोग बहुत इधर उधर बहुत भजन गाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है लेकिन भगवान किसकी भजन को सुनते हैं, ठाकुर जी किसकी बात को ठाकुर जी सुनते हैं। शास्त्र कहता है सबका प्रार्थना ठाकुर नहीं सुनते, जैसे हमारे देश में मीराबाई नाम सुने ही थी, लेकिन वो भक्त है। अगर उसने अगर कोई भजन गाई है ठाकुर जी उसका भजन सुन, जैसे उनका भजन है अली मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको सखी मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन जी को, अली मोहे लागे वृंदावन जी को। ठाकुर जी अगर ये भजन गाएंगे ना ठाकुर जी सुनेंगे। बोले क्यों सुनेंगे, क्योंकि इसको जो प्रार्थना की है भगवान की कोई शुद्ध भक्त ने प्रार्थना की, इसलिए भगवान केवल भक्तों का ही प्रार्थना सुनते हैं, सभी की भजन ठाकुर जी नहीं सुनते। जिस हमारे हिंदी भाषा में कितने लोग अपने आप कितना कविता लिख देते ठाकुर जी उसको नहीं सुनते हैं, जैसे सूरदास का नाम सुने कि नहीं, वो अंधे थे लेकिन उसका प्रार्थना सुनते, उनका भजन किया है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गई अनको पाछे मधुबन मोहे पठायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन। ये भजन को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, जो सूरदास है वो भगवान की भक्त है, भगवान की ये भक्त हैं, इसलिए भगवान हमारे श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, कहते सड़ंग शरणागति है वे जहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसको अंदर में छह तरह का शरणागति आ जाए है, छह तरह का भगवान के ऊपर जिनको संपूर्ण विश्वास आ जाए, भगवान हमें रक्षा करने वाले, ठाकुर हमें पालन करने वाले, दीन दीन बन करके रहो है, इसलिए भगवान की चरण में संपूर्ण आत्मनिवेदन करो, ठाकुर के चरण में जीवन में वही चीज को ग्रहण करो जो भक्ति के अनुकूल चीज है, वह चीज को त्याग दो भक्ति का जो प्रतिकूल चीज है। ये छह जो गुण है अगर किसके अंदर में आ जाएगा ना, भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं उसका प्रार्थना ठाकुर जरूर सुनेंगे हैं, उनका प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए अभी जो बंगला में जो भजन गा रहे हैं ये सबके सब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के सब परिकर हैं, सब महाप्रभु का शुद्ध भक्त है। अगर ये भजन अगर हम गाएंगे ना ठाकुर जी जरूर इसको सुनेंगे, क्योंकि इसको जो गाने वाले भगवान की शुद्ध भक्तों ने ये भजन को गाए हैं। देखो आज ये कीर्तन हम व्याख्या करती है कीर्तन को, अभी जो माता जी ने भजन गाई है
हाँ, ये भजन को आज हम सुनेंगे, उसमें क्या बताना चाहते हैं, उसमें जो बंगला कीर्तन है बोले अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन नीताय नगरे बेढ़ाय। कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, कहते नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते ये बलदेव प्रभु जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु, और जो बलदेव प्रभु वो श्री नित्यानंद प्रभु है। कहते ये नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, बोले जिनके अंदर में कोई भी क्रोध नहीं, महाप्रभु आदेश दिया जाओ घर घर में जाओ भिक्षा मांग करके लाओ, बोले किस चीज की भिक्षा है, बोले कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो, जिस घर में जाओ सबको भगवान की भक्ति की उपदेश दो। हाँ, ये जीवन भगवान बड़े 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, ये जीवन पा करके सबके सब भगवान की भक्ति करो, सबको भक्ति की भिक्षा मांगो दरवाजा दरवाजा में जा करके। हाँ, इसलिए कहते अक्रोध परमानंद, जिनके अंदर में कोई क्रोध नहीं, इसलिए जगाई मधाई दो पिय कर थे, शराब पी रहे थे और ऐसे भयंकर पिय कर थे, उनके नाम पहले गुंडे लोग होते थे ना हमारे भारत में, जिनका नाम सुनते लोग घबरा उठते हैं, ऐसे दो गुंडे थे हैं। लेकिन हे तो ब्राह्मण घर में थे, जन्म तो ब्राह्मण घर में हुआ, लेकिन असत संग से दोनों ही पियगढ़ बन गए, गुंडे बन गए, और इतने बड़े बड़े मटकी में लेकर के भर भर कर शराब पीते थे, और मेन रोड में बैठ जाते थे, और जिस रोड में बैठे ना जाम, वो रोड जाम, वो रोड में कोई भय से, वो रोड में कोई भय से नहीं जाते थे, रोड जाम होता था, और वो जो शराब पी करके उल्टा पुल्टा जो हाँ बोलते थे लोग दूर से देख कर सुनते थे, हाँ इतने भयंकर थे। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर का आदेश दिया, बोले जाओ घर घर में जाओ, घर घर में जाओ, सबसे भिक्षा मांगो। बोले क्या भिक्षा मांगो, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, कृष्ण छोड़कर और कोई बात को बोलना नहीं, क्योंकि जो कृष्ण जो बोलेंगे अपना भी कल्याण और दूसरा का भी कल्याण है। कृष्ण कथा अगर हम सुनाएंगे पहले तो अपना कल्याण, और जो सुनेगा दूसरा, अगर चुगली किसकी चुगली सुनाएंगे अपना भी हानि दूसरा का भी हानि, दोनों को हानि है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर दूसरों को कुछ बात बोलना ना, कृष्ण की बात छोड़ करके, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके कोई बात बोलना नहीं है, कोई बात को नहीं बोलना है। इसलिए बोलो कृष्ण, बोले भजन किसको करनी चाहिए, बोले भज कृष्ण, कहते और किसको भजन मत करो, यद्यपि जगत में 33 करोड़ देवा बैठे, इसलिए यद्यपि जगत में 33 करोड़ देवा देवी हमारे भारत में है ना, भारत में 33 करोड़ देवा देवी है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भजन किसको करनी चाहिए, किसको भक्ति करनी चाहिए, बोलो भज कृष्ण, बोले भजन करनी चाहिए, केवल कृष्ण को भक्ति करो, और किसको भक्ति करने के लिए महाप्रभु मना कर देते, बोले क्यों, कृष्ण गीता में कहते हैं अगर दूसरे देवादेवी की भक्ति करोगे कहाँ तक जाओगे, उनका एक एक लोक है, जानती देवव्रता देवा, देवादेवी को पूजा करने से देवादेवी के लोक में जाओगे, लेकिन कब तक रहोगे, बोले जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा, पुण्य खत्म होते फिर यही गिरोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन अगर पुण्य कर्म करके तो ब्रह्म लोक भी चले जाओ, खिन्न पुण्य मर्त लोक विसरते, पुण्य खत्म होते पहले ही पर आओगे, लेकिन जो मेरी जो भक्ति करने वाले हैं भगवान की, जो कृष्ण की भक्ति, राम की, नारायण की, इनके जो भक्ति करने वाले हैं उनको कहाँ है, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और जहाँ जाने से दोबारा फिरना लौटना नहीं पड़ेगा। इसलिए भजन करना तो किसको भजन करो, बोले बोलो भज कृष्ण। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले हम कृष्ण भक्ति क्यों करें, राम नारायण की भक्ति हम क्यों करें, कहते जो 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 भगवान अवतार भगवान है ना, बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना काम, ये कभी किसकी अवगुण का प्रति ये कभी किसकी नजर नहीं देते, ये शरणागत भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान है, ये कभी अपगुण का प्रति नजर नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण देख रहे समझाए, जैसे पुतना पुतना आई कृष्ण को मारने के लिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे हैं, ब्रह्म में
डूबे हुए थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने एक श्लोक को सुने वो पागल हो गए। सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को परित्याग उन्होंने दिया है। बोले क्या जब सुने, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाब्धि लेबे धातु जितितम गतोन्नम कम्बा दयालु शरणम व्रज। जब उन्होंने सुना है हमारे कृष्ण कितने दयालु हुए, कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने दयालु, उदाहरण देकर बताए। पुतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, बोले उसको अंदर में सारे अपगुण हैं। क्या क्या अपगुण हैं? पहला नंबर बताए उसका नाम पुतना। पुतना मतलब क्या है? बोले पूत मतलब होता है पवित्र, और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र थी। पहला दुर्गुण उसकी, पहला दुर्गुण है, हाँ, जो समझ रहे, उसका पहला दुर्गुण जो पवित्र नहीं थी। बोले दूसरा दुर्गुण किया वो करती थी क्या? बोले घर घर में जाकर के बच्चों को खून पीती थी, कितने बच्चों को मार दिया। कंसर्न जब भेजा, मैंने सुना हमारे काल कहीं जन्म ले लिया, वो पुतना को भेजा, घर घर में जाकर बच्चों को खून पीती थी, मतलब मार दी, किसी घर में बच्चा नहीं रहते थे, सारे बच्चों को मारती थी। दूसरा दुर्गुण। बोले तीसरा दुर्गुण किया? बोले राक्षसी, वो राक्षसी थी। बोले चौथा दुर्गुण किया है? भगवान के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर, कोई बढ़िया चीज लेकर नहीं ठाकुर के लिए स्तन में कालकूट जहर लेकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी। सारे दुर्गुण दुर्गुण है, लेकिन देखो हमारे कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने कृष्ण अच्छे हैं। उसने जो केवल एक नाटक की थी, बोले मैया जसोदे हैं कितने सुंदर लाला तुम्हारी, कितने अच्छे लाला, उसको थोड़ी पलने में थोड़ी झूला करके सुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए, उसको गोद में लेकर इसको प्यार करनी चाहिए। उसने नाटक केवल की, एक मुहूर्त के लिए उन्होंने केवल नाटक भाव से एक मुहूर्त के लिए उन्होंने देखा, लेकिन कृष्ण इतने दयालु इतने कृपालु। ऐसे जो पुतना है जो दुर्गुण संपन्न थी, लेकिन उन्होंने स्थान कहाँ पर दे दिया? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन ठाकुर जी भेज दिए हैं। इसलिए हमारे श्री, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं, देखो उन्होंने टीका में क्या कहते हैं, देखो इस चीज को अच्छे तरह सुना। कहते जो पुतना थी, पुत माने पवित्र नाम नहीं, जो एकदम गंदी रहती थी, हैं राक्षस इतना गंदी रहती थी, अगर ऐसे कोई गंदी व्यक्ति आए, अगर ठाकुर जी उसको इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हो, अच्छे अच्छे सब कपड़ा पहन करके आए, अच्छे अच्छे शुरू साल भर भर के भैया तो बड़े सुंदर साड़ी पहन करके आए, इसलिए इसलिए जैसे जैसे यहाँ भगवान के दरबार में अगर कोई अच्छे कोई कपड़े पहन करके आ गए, हैं कोई अच्छी कोई कपड़े पहन करके आ गए, ठाकुर को मंदिर में गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं ना, बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हैं। अगर कोई वो तो अपवित्र रहने वाली गंदी थी, अगर ठाकुर जी उसको इतने बड़े पोस्ट दे सकते, अगर कोई भगवान की दरबार में आए अच्छे कोई कपड़े पहन कर गया, अच्छे सूट सलवार अच्छे साड़ी पहन कर कोई आ गए, हैं फिर ठाकुर जी कहते इसको क्या नहीं देंगे बताओ। दूसरे चीज वो लेकर के क्या आई थी? बोले जहर, जहर लेकर के आई थी। अगर कोई जहर लेकर के आने वाली को अगर ठाकुर जी गोलोक वृंदावन भेज दे, अगर कोई ठाकुर को पास में खाली हाथ में आए, कुछ नहीं लाए लेकिन खाली हाथ से आए, लेकिन थोड़ी सी भावना को साथ में आए, थोड़ी सी छोड़ छोड़ दो, इसलिए सब सब सुन रहे हैं, छोड़ दो, पीछे तक आवाज आ रही है जी, आ रही है। इसलिए अगर कोई ठाकुर को पास में आए हैं, थोड़ी सी अच्छी भाव को लेकर आए, हम भगवान के पास में जा रहे हैं, कीर्तन कथा के लिए ठाकुर के पास में जा रहे हैं, थोड़ी सी अच्छे श्रद्धा लेकर के आए हैं, अच्छे, नहीं तो ठाकुर को जो प्यारा चीज है, जैसे मानो ठाकुर जी के लिए कोई एक फल लेकर के आए हैं, नहीं तो थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए जैसे घर से आए हो, जैसे प्रभु जी ने बड़ी सुंदर सुगंधी फूल लेकर के आ गए, तो अगर थोड़ी सी ठाकुर के पास में थोड़ी सी थोड़ा अच्छा कोई फूल लेकर के ठाकुर के पास में आ गए, नहीं तो ठाकुर जी के लिए, नहीं तो कोई अच्छे कोई ठाकुर जी के लिए साग सब्जी रोटी सब्जी कुछ बना करके लेकर के आए, नहीं तो
अगर कोई ठाकुर जी को पास में सबसे प्यारा ठाकुर को क्या है, मक्खन है। हम मक्खन चोर कहते हैं ना, मैया मरी मैं नहीं माखन खाए। अगर भगवान के दरबार में आए हो, थोड़ी सी अच्छे कोई मक्खन मिश्री लेकर के ठाकुर के पास में आ गए, नहीं तो ठाकुर को सवेरे उठ करके थोड़ा मक्खन मिश्री भोग लगाते, तब श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते, बताओ ठाकुर किसको क्या नहीं देंगे। सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़वा लिए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़े, बोले प्रभु नहीं, दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना लक्ष्मी, मेरे को दासी दासी बनना पड़ जाएगा, समझ रहे। इसलिए राक्षसी पहला नंबर, दूसरा क्या हो गया, ठाकुर जी के लिए जहर लेकर के आई थी। अगर ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी चीज लेकर तो खाली हाथ से भाव लेकर के आ जाते। फिर तीसरा नंबर पुतना है, तीसरा नंबर राक्षसी। हाँ, एक राक्षसी अगर ठाकुर के पास में आई, ठाकुर इतने अच्छे गति दे सकते हैं। अगर कोई ठाकुर के पास में राक्षसी आने पर, अगर कोई ठाकुर के पास में अगर कोई आए, कोई इंसान आए, उनको वही ठाकुर का मंदिर में कोई इंसान आए, नहीं तो ठाकुर के पास में कोई उनकी भक्त आ जाए भक्ति भावना के साथ में, बताओ फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। हाँ, ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। कृष्ण कहते हे अर्जुन, हैं हे अर्जुन, अगर मेरे लिए कोई इतना करता है ना, मैं उसके लिए इतना करता हूँ। मेरे लिए कोई इतना करे और उसके लिए मैं कितना करता हूँ, उतना करता हूँ। उसके लिए मैं इतना करता हूँ, कोई एक कदम बढ़ता है मैं उसके तरफ में 10 कदम बढ़ता हूँ। कितना बढ़ता हूँ, लेकिन दुनिया के लिए देखो, सारा जीवन दुनिया के लिए मर मिट जाओ, सारा दुनिया के लिए शरीर को रगड़ करके सारे दुनिया के लिए लगा दो, अगर थोड़ी सी कोई भूल चुकी हो जाएगा ना, वो जिंदगी भर नहीं देखेगा, तो मेरे लिए इतने किए हो, तो मेरे लिए इतना जिंदगी भर किए हो, उसको याद नहीं रखते हैं, उसको याद नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, उसने जो थोड़ी सी कोई गलती हो गया ना, देखना उस गलती को देखेंगे। गलती का एक समय हमारे प्रभुपाद के पास में किसी ने आकर बोला, जानते हो प्रभुपाद, बोले क्या है, बोले उसने ये किया, उसने ये किया, उसने सारे गलती। तब प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं, उसको दुर्गुण को तुम गिना रहे हो, कुछ अच्छा भी तो किया है, अभी तक तो तुमने उसको दुर्गुण दुर्गुण बता जा रहे हो, उसका अच्छा बोलो अच्छा क्या, बोले अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा मृदंग, बोले ये बताया तुमने अभी तक, तुमने तुमने बताया तुमने बताया वो अच्छा मृदंग बजाता है, भगवान की कीर्तन बढ़िया कर, ये तो बोला नहीं, लेकिन जब से आए तब से उसकी दुर्गुण उसका सार। लेकिन भगवान कैसे है, भगवान कैसे है, देखना भगवान कैसे है। हमारी कोई अपगुण का प्रति ठाकुर जी नजर नहीं देते, ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे अच्छे गुण को देखते हैं, हमारी अच्छे गुण को देखते हैं। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, दरवाजा दरवाजा पर जाओ, हैं जा करके क्या करो, दरवाजा दरवाजा करके कृष्ण भक्ति की भिक्षा करो, बोलो कृष्ण और भज कृष्ण, बोले कर कृष्ण शिक्षा। कहते अगर जीवन में किसी चीज को शिक्षा रूप में पाना चाहते हो, जैसे हम लोग कोई PhD करते हैं, कोई डॉक्टर करती हैं, कोई इंजीनियरिंग करते हैं, कोई CA करते हैं, अलग अलग सब करते हैं ना, सब अब लोग पढ़े होंगे, हैं। इसलिए कहते जगत में अगर शिक्षा लेना है तो किस चीज की शिक्षा लेना है, महाप्रभु कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई। मीरा कहती है ना, क्या पोथी पढ़ पढ़ मुआ भय पंडित बना न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई। इसलिए कहते हैं जब प्रेम, अगर भगवान की भक्ति, अगर ये प्रेम को अगर शिक्षा कर लिया ना, जब महाप्रभु दिग्विजय के पंडित को परास्त किया, हाँ बहुत बड़ा विद्वान पंडित सरस्वती जिसको जिह्वा में बैठ कर बात करती थी, सारा दुनिया को परास्त किया, लेकिन महाप्रभु के पास में आया तो महाप्रभु बात बात में परास्त कर दिया। सरस्वती स्वयं स्वप्न देती, बेटा आज तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गया, किंतु आज जो तुमसे जिससे मिला है ना, वो मेरे पति है, गौर नारायण है, सारे पढ़ाई की सार्थकता हुआ, क्यों, आज तुम भगवान से मिले हो, जाओ उनके चरण में शरणागत हो जाओ। फिर जब महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले भैया विद्या पढ़े के ना, बोले विद्या क्यों पढ़ते हो, दुनिया को परास्त करने के लिए,
सबको नीचा दिखाने के लिए पढ़ते हो? कहते सबको सबको क्या नीचा दिखाने के लिए पढ़ते हो? बोले नहीं, विद्या पढ़ के ना, बोले कृष्ण भक्ति जानी वारी, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए हम विद्या पढ़ते हैं। अगर से यदि नहीं लो, अगर वो चीज नहीं हुआ है, बोले बताओ ये विद्या क्या करेगा? शरीर छोड़ते ही सारे डिग्री बिग्री तो तुम्हारे यही जाएगा। पीएचडी मरते समय क्या बोलेंगे? तू पीएचडी किए हो, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी कोई बोलेगा, लास्ट में बोलेंगे प्रभु जी बैठ जा, बैठ जा। इसलिए मरते समय यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठाई से बोलेंगे ना। बोले जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया यही सत्य है, और जगत में जितने डिग्री बिग्री किया ना, वो कोई डिग्री बिग्री तेरे साथ नहीं जा रही, और सारे डिग्री छोड़ कर जा रहे हो यही बात। लेकिन एक डिग्री अभी काम करेगी अगर प्रभु का भजन भक्ति किया हो। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मिलेगा जितने राम की भक्ति भजन किया वही हमें केवल जीवन में उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु, कहते महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर को हैं, कहते उन्हें दरवाजा दरवाजा पर भेजते जाओ, दरवाजा दरवाजा भिक्षा भिक्षा लेकर के आओ, ये दोनों व्यक्ति को भेजा। जब दोनों व्यक्ति को भेजा तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, कहते महाप्रभु का तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उन्होंने ये दो व्यक्ति को किस लिए भेजा है? तो उन्होंने और किसको तो भेज सकते थे, ठीक है। काफी पेन आपका कहाँ है? तो कथा कैसे कर पंडित बने तुम लोग काफी सब काफी पेड़ लेकर के आना बैठना, ऐसे नहीं आकर के मुंह देखने के। हम देखो देखो महापुरु का क्या इच्छा, जगत में भारी भक्ति जगत में कैसे, किसको बोलो कैसे, कुछ पता होगा तो बोल सकते हो, पता नहीं होगा तो क्या बोलोगे? फिर दुनियादार की बात करो, तुम्हारे घर में क्या बना था, तेरे सास को साथ में क्या हो रही है, बहू को साथ में क्या हो रही है, बेटे को साथ में, फिर यही दुनिया की बात बोलोगे। इसलिए क्या करो, काफी पेन लेकर बैठो और महाप्रभु का इच्छा जगत में हरि भक्ति प्रचार हो, ठीक है ना। हर समय गुरुदेव यही बोलते थे, जब दूसरा बार परिक्रमा में आओ कम से कम 10-10 जन को लेकर आओ, गुरुदेव बोलते थे। 10 को कैसे लेकर के आओ? कथा सुनाओगे तब तो लाओगे ना, कथा नहीं सुनाओगे तो कहाँ से लाओगे, ठीक है ना। अगली बार मैं जब देखूंगा तो दो दो कम से दो दो तीन तीन नए नए भक्त बनाए, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते कथा सुनाएंगे तब तो भक्तों को लाओगे ना, कथा सुना कहाँ से लाओगे दूसरों को। हाँ देखो, महाप्रभु ने ये नित्यानंद हरिदास ठाकुर को भेजा, दरवाजा दरवाजे पर उन्होंने दोनों व्यक्ति को भेजा, हैं, दोनों व्यक्ति को भेजा। बोले तब यहाँ पर उन्होंने दो व्यक्ति को क्यों भेजा? और तो महाप्रभु का बहुत सारे भक्त थे ना, उनको तो भेज सकते थे, लेकिन ये दोनों व्यक्ति को क्यों भेजा? तो इसका पीछे महाप्रभुपाद चार कारण बताए, आज मैं बोलूंगा कल मैं आपसे सुनूंगा, जो बोलेगा ना मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है। इसलिए इसलिए पहला कारण बताए, बोले नित्यानंद प्रभु कौन है? कहती है बलदेव स्वामी, ये बलदेव। बोले बलदेव प्रभु कौन है? कहते बलदेव प्रभु ये है, कहती है संकर्षण कारण तो साई, गर्भोद साई चौपयब्धि साई, शेषांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपत्ति। कहते जो नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु है, इनसे ही जितने सब विष्णु आप बता रहे, जितने सब विष्णु हैं, सब कारण दशाई गर्भ दशाई क्रिया दशाई जितने अवतार मत शकुर्म बरहा हम देख रहे, सब के सब नित्यानंद प्रभु से प्रकट होते हैं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते हैं, श्री दाऊ भैया बलदेव प्रभु से। हाँ, कहते श्री हरिदास ठाकुर, ये हरिदास ठाकुर कौन है? बोलिए ब्रह्मा जी। ये कौन है? अब बता ब्रह्मा क्या करते हैं? जगत को सृष्टि करते हैं, जगत को सृष्टि करते हैं। इसलिए एक है एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, दूसरे हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, दोनों सृष्टि करने वाले हैं। कहते ना जब हम बच्चों को जन्म देते हैं, हमारे क्या कर्तव्य है? बच्चों को लालन पालन, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को यही तो पिता माता की ड्यूटी है ना, बच्चों को लिखाए पढ़ाए
उसको होनहार बना, बढ़िया बना। इसलिए महाप्रभु ये दोनों को भेजे, क्योंकि ये दुनिया को तुम दोनों नहीं बनाया, दोनों को जब दुनिया को दोनों ने बनाया, तुम्हारे कर्तव्य है जन्म देना जितना महत्वपूर्ण है, उनको इंसान बनना उससे ज्यादा महत्व है। उसको हमने कैसे बनाया, उसको क्या शिक्षा हमें प्रदान की है, इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजते हैं, दरवाजा दरवाजा पर जाओ जाकर, क्योंकि दुनिया को तुमने बनाया, सृष्टि तुमने किया है, जब सृष्टि तुमने किया तुम्हारी कर्तव्य है इनको शिक्षा देना। बोले किस चीज की शिक्षा देना है? बोले कृष्ण भजन की शिक्षा देना, उसको कृष्ण भक्ति की उनको शिक्षा देना है। सब शिक्षा दो जगत का एजुकेशन है चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ में भक्ति की भी शिक्षा देनी चाहिए हैं। अगर उनको भक्ति की शिक्षा अगर दे पाए ना, अगर कहते एक बेटा अगर वंश में भक्त बन गया, तुम्हारी वैष्णव बन गया, उसका कितना लाभ है? भगवान खुद कहते बोले कुलम पवित्रम, उसको 21 बीड़ उधार हो जाते हैं। जननी कितार्था, जो पिता माता बच्चे को जन्म देते हैं उसको पिता माता का जीवन भी धन्य हो जाते हैं। बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे सा, जो हमारे तुम्हारे पूर्व पुरुष जो चले गए हैं पहले, जब देखते हैं वंश में बच्चे कोई हरिनाम करना शुरू कर देते, भक्ति करते हैं, हाथ उठा उठा करके वो नाचना शुरू कर देते हैं, हमारे अहो भाग्य हमारे वंश में वैष्णव पुत्र जन्म हुए हैं, वैष्णव पुत्र जन्म हुए, अभी उधार होने की कोई देर नहीं। इसलिए पुराण में कथा आती है, कहते एक पापी को गले में पकड़ करके ना उसको टाटी पेशाब कुंड में डुबो रहे थे, जब डुबो रहे थे ना वो जोर जोर से हा 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 कर हंस रहा था। बोले भैया तेरे को यहाँ दंड दिया जा रहे हैं, टाटी पेशाब का कुंड में तेरे को डुबो रहे, तू हंस क्यों रहे हो? बोले जो करना आज कर ले, कल से नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? बोले कल से हमारी वंश में एक व्यक्ति कृष्ण मंत्र में वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेने वाले हैं, गले में तुलसी की कंठी तिलक पहनने वाले हैं और प्रभु का हरिनाम करेगा। जब करेगा ना बस, कल उल्टा मेरे को प्रणाम तुमको करना पड़ेगा। उल्टा प्रणाम करोगे, आज जो करना आज कर ले, कल से तुम नहीं कर सकते। इतने महिमा, जब कोई विष्णु मंत्र में कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेकर के भगवान की जो भक्ति करते हैं, इतने महिमा है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु भेजते दरवाजा दरवाजा पर जाओ जाकर किस चीज की भिक्षा मांगो? कृष्ण भजन की भिक्षा मांगो, कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगो। इसलिए कहते बच्चों को दूसरा एजुकेशन दो, लेकिन उसको साथ साथ में प्रभु की भजन की सबसे जो महत्वपूर्ण है, भगवान की भक्ति की एजुकेशन दो, प्रभु की भक्ति की शिक्षा दो। जितने सारे शिक्षाओं में भक्ति की सबसे पहले उनको एजुकेशन, भक्ति की एजुकेशन उनको देनी चाहिए। बचपन से उनको बोलो हरि नाम करो, माला करो, बोलनी चाहिए कि नहीं? अब बोलो बच्चे बात नहीं सुनते, अब बोलोगे बोले देखो जैसे उसको 7 बजे स्कूल जाना है, बच्चों को कितना बजे उठा देते हैं? 6 बजे उठा देते हैं, उठा देते कि नहीं? उसको स्नान फान करके हैं, उसको सब रेडी करके नाश्ता पास्ता दे करके उसको गाड़ी में बैठाते कि नहीं? जोर जबरदस्ती उठेगा नहीं, जोर जबरदस्ती उसको उठाते कि नहीं? उठाते ना, तो उसको नहीं बोल सकते तुम एक माला करो। और वही बच्चा जब ज्यादा लिख पढ़ जाता है ना, बोले गवाज तू क्या जानते है, हमने PhD किया, हमने टॉयलेट इंजीनियर किया, तू क्या जानते है? बच्चे कहाँ बिगड़ता है? घर में ना, स्कूल में जाकर बिगड़ता है, सारी स्कूल में जाकर के बिगड़ता है। सिगरेट फूंकना, ड्रग्स लेना, जितने गड़बड़ी काम स्कूल में कॉलेज में जाकर बिगड़ता है, घर में कोई नहीं बिगड़ता है। पिता माता तो हर समय उसको अच्छे शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते कि नहीं? उसको बिगड़ने के लिए ज्यादा है, उसको तो स्कूल भेज देते हो, लेकिन तो एक माला नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते भैया कम से कम गीता का एक श्लोक पढ़ करके जा, जैसे रामायण का सुंदर कांड को थोड़ी सी पढ़ करके जा, बोल सकते कि नहीं? जी। बोलनी चाहिए। जब दुनिया की एजुकेशन देकर गाली देता है वही बच्चा सुनते हो, तू क्या जानते हो, हम इतने लिखे पढ़े गए, जो उल्टा पुल्टा काम गाली सुन, तो उसको क्या भक्ति का शिक्षा नहीं दे सकते? अभी मैं इंडिया में कथा जयपुर में कथा करने गया था, जब मैं कथा करके आ रहा था ना, है? जब मैं कथा करके आ रहा था, मैंने देखा वहां पर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मैंने उसको पूछा, 10 साल का बच्चा था, मैंने उसको पूछा भैया तेरा नाम क्या है? उसका नाम से पता चला ये मुसलमान है, ये बच्चा मुसलमान है। जब बोला मुसलमान, तब मैंने उसको पूछा भैया तेरे कुरान आती है?
वो छाती फुला कर बोला हाँ मेरे को पुराना आती, बोले बुलाओ, झटाझट पुराना बोलना शुरू कर दिया, झटाझट पुराना बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान सिखाते हैं, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब 2 साल बच्चे हो कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाते हैं। अब हिंदी से अगर कोई अब आए होंगे हमारे उत्तर हमारे भारत से दिल्ली से, शुक्रवार का दिन तो बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते हैं, मेन रोड को जाम कर देते हैं, मेन रोड में बैठा करके बच्चों को ले। हम हिंदुओं में कौन बच्चे को बोलता है तू एक माला कर रामायण भागवत पढ़, कौन बोलता है बच्चों को? नहीं बोलते, नहीं बोलते बच्चों को पढ़े है। इसलिए इसलिए महाप्रभु किसको भेज रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, बोले तुम जगत को सृष्टि करने वाले हो, जगत को तुम दोनों सृष्टि, पहला इनको एजुकेशन दो, भगवान के भजन की भक्ति की उनकी शिक्षा दो, बोले एक माला करो, नहीं तो थोड़ा एक गीता पढ़ो, नहीं तो रामायण का 2 चौपाई पढ़ो। इसलिए गुरुदेव को किसी ने बोला, बोले गुरुदेव बेटे बात नहीं सुनते हैं, घर घर की बात देखा बेटा बात नहीं सुनते। गुरु जी बोले रामायण पढ़ते हो, बच्चों को भी रामायण पढ़ाया है? बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा नहीं बेटे तो यही से बनेंगे। कहां पर बताया, कौन सा शास्त्र में बताया जो पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की चरण छूनी चाहिए, कहां पर ये बात बताया? बोले रामायण में बताया है, प्रात उठ रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे, पिता माता की आशीर्वाद लेते थे, लेते थे कि नहीं? रामायण देखे होंगे ना, जब दशरथ महाराज सैन्य के लिए राम स्वयं पिताजी के चरण की सेवा कर रहे कि नहीं? बोले संस्कार कहाँ से बढ़ेगा, बोले रामायण पढ़ने पर ही संस्कार आएगा? नहीं, रामायण में जब ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते जब देखेंगे, वो भी उठ करके पिता माता के पहले चरण छुएगा है, पिता माता के आदेश। भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए पिता माता की। आज अपना बेटे को बोलो तू 14 दिन के लिए पिता माता की आदेश पालन करने के लिए थोड़ा जाओ, जाएगा बेटा? बोले 14 दिन के लिए हनीमून मनाने जा सकता है, वो हनीमून मनाने जाएगा, लेकिन पिता माता के आदेश। गुरु जी बोलते थे बात को, कारण कमी पिता माता को अंदर में, कमी बच्चों में नहीं है। बच्चे तो एक है, जैसे एक मिट्टी होता है ना, कच्चा मिट्टी है बच्चा, तो एक कच्चा मिट्टी है, जैसे बनाना चाहो ना बच्चे को वैसे आप बना सकते हो, वो तो कच्चा मिट्टी है। सब दोष पिता माता की, सब दोष, ठीक है ना? क्या करना, हरि नाम करना, बच्चे को भी संस्कार डालो, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर पहला कारण है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, इसलिए उन्होंने भेजा था घर घर में। क्या घर घर किस लिए भेजे थे घर घर में? कारण यही था, घर घर में जाओ, दुनिया को सृष्टि करने वाले तुम हो, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है भजन, जीवों को भजन में लगाओ, जीवों को भगवान की भजन में लगा दो, भगवान की भक्ति में लगा दो, बस इनका जीवन धन्य हो जाएगी। ये पहला कारण याद रहेगा, इसलिए कहते इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण क्या, ये दोनों व्यक्ति को क्यों दरवाजा दरवाजा भेजे है? तो दूसरा कारण है कि ये नित्यानंद प्रभु कौन, कहते ये बलदेव प्रभु, और श्री हरिदास ठाकुर कौन, ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा और ये हरिदास ठाकुर है। ये हरिदास ठाकुर ब्रह्मा होने का नाते दूसरा शिक्षा दिया है, अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहते है उनको 2 चीज को अपनाना पड़ेगा, 2 चीज को। पहला चीज क्या है, पहला चीज है नित्यानंद प्रभु गुरुदेव है, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु, अभिन्न अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यानंद बलदेव प्रभु है, ये गुरुदेव है, है? इसलिए बलदेव आदि गुरु है, इसलिए हम गुरुदेव को क्या कहते हैं, हम गुरुदेव को 2 रूप मानते हैं, एक रूप मानते हैं ये गुरुदेव कौन है, बोले एक नित्यानंद प्रभु अभिन्न है और दूसरा श्री राधा रानी के प्रकाश, और श्री नित्यानंद प्रभु का प्रकाश, बलदेव प्रभु का प्रकाश गुरुदेव, ये 2 रूप मानते हैं गुरु जी को, 2 रूप मानते हैं, हैं? 2 रूप मानते हैं, क्योंकि जो दोनों ही है भगवत सेवा की शिक्षा देने वाले, यही दोनों ही है, दोनों आचार्य रूप में ये दोनों शिक्षा देते हैं,
भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए। राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन होकर राधा रानी करती है क्या? दिन भर कृष्ण सेवाएं करती है, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब जिया कृष्णन आराधयति राधा, कृष्णम समारहति राधा, जो हर समय कृष्ण सेवा की शिक्षा देती है। दिन भर कृष्ण की सेवा के लिए सुंदर कुंज सजाना, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाना, ठाकुर जी के लिए है रोसी बनाना, दिन भर कृष्ण सेवा में ही लगी रहती है। इसलिए बलदेव प्रभु जीवाचार्य है, ये क्या करते हैं, ये भी पंच रस और दस शरीर से है, पांच पांच तरह का रस और दस शरीर से सेवा करते हैं। इसलिए जगत में जो कुछ देख रहे हैं ना, सब बलदेव प्रभु का प्रकाश है। कृष्ण का जैसे सिंहासन है, बलदेव प्रभु का, कृष्ण का जो वस्त्र है बलदेव प्रभु का प्रकाश है, हैं? कहते जो मृदंग बजाते हैं ये भी बलदेव प्रभु का प्रकाश है, जो करताली बजाते हैं ये भी बलदेव प्रभु का प्रकाश, कृष्ण का जो वस्त्र है बलदेव प्रभु का प्रकाश है, कृष्ण का जो अलंकार है ये बलदेव प्रभु का प्रकाश है, कृष्ण का जो जन्हे जो कपड़े है सब बलदेव प्रभु का प्रकाश है, कृष्ण के जो जूते है वो श्री बलदेव प्रभु का प्रकाश है, कृष्ण की जितने हैं जो कुछ हम देख रहे हैं ना सब, ये दुकान वकान जो कुछ देख रहे हैं ना सब, ये सब बलदेव क्योंकि संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता से, ये सब के सब बलदेव प्रभु ही अनंत रूप में बलदेव प्रभु क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण सेवा। इसलिए यहाँ पर पहला शिक्षा दिया, अगर किसको भगवत भक्ति में प्रवेश करना है सबसे पहले उसको कोई सदगुरु का आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, लेकिन अगर गुरु जी को ग्रहण नहीं करेंगे ना, कहते संसार से पार नहीं हो सकते। एक छोटी स्टोरी सुन लो, स्टोरी अच्छी लगती है ना। हाँ अब देखना, अब देखना, पानी में ना एक तरह का चिड़िया रहता है, काले काले रंग की, अब देखना काले काले रंग, काले काले रंग की वो, अब देखना पानी में डूब करके ना वो मछली पकड़ता है, काले काले रंग के चिड़िया रहता है वो, आप देखना जो जो चिड़िया है ना वैसे पानी में डूबेगा, डूब करके वो मछली को पकड़ेगा, और वो मछली को ऐसे खा नहीं लेगा, वो क्या करेगा कभी अगर देखना, अगर भाग अब देखना वो मछली को पहले पकड़ के ऐसे फेंकेगा ऊपर में, और फेंक करके फिर उसको मुंह से पकड़ेगा, फिर पकड़ करके फिर उसको खाए, उसका एक कला है, उसकी एक कला है। एक व्यक्ति ने देख लिया जो मछली कैसे, चिड़िया कैसे मछली को पकड़ता है और कैसे फेंकता है और उसको कैसे खाता है, वो देख लिया, देख लिया तो उसने क्या किया, उसको देख करके हैं उसने एक चाकू बनाया, जो जो चाकू है किस चीज की चाकू है, कहते उसने लकड़ी का एक चाकू बनाया। इसलिए लकड़ी का चाकू बना कर वो क्या करता है, उसको ऐसे ऊपर फेंकता है, फेंक करके अपना दांत में पकड़ता है, ऐसे उसने उसको प्रैक्टिस किया पहले, किसकी चाकू किसी जी, लकड़ी का चाकू बना करके उसको फेंकता है, पकड़ता है, फेंकता है, जो बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो गया ना, अभी उसने लोहे की चाकू बनाया और चाकू बनाकर उसको ऐसे फेंकता है और उसको मुंह में पकड़ता है, पकड़ करके जब बहुत उसको प्रैक्टिस हो गया, बहुत बढ़िया तरह से उसको अपना जीविका बना दिया। अगर कहीं अगर ज्यादा लोग देखेगा ना, जोर से ड्रम बजाएगा है, जैसे भारत में तो फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो लोहे को चाकू को ऐसे फेंकता है और फेंक करके फिर दांत में पकड़ता है, लोग तो देखते क्या विद्या, हाँ इतने ऊंचा चाकू से फेंकता है और दांत में पकड़ लेता है उसको। एक व्यक्ति ने क्या वाह, मैंने बढ़िया विद्या देखा, धन्य है तेरे गुरुजी, जिस गुरुजी ने तुम्हें ये विद्या को सीखे हो, हैं? जिस गुरुजी ने तुम्हें ये विद्या को सीखे, धन्य है तुम्हारी गुरुजी। इतने में उसने बोल दिया, थोड़ी गुरुजी फुरुजी मेरे कोई, कोई गुरुजी फुरुजी नहीं मेरे कोई गुरुजी फुरुजी कुछ नहीं, हम तो इसको स्वयं प्रैक्टिस कर लिया है। आप बताओ उसका गुरु कौन था, चिड़िया। अब देखना इसी दुनिया में जो चोर चोरी करता है ना उसका भी कोई गुरु होता है कि नहीं आप विश्वास करके ना आपको पता होगा कि नहीं,
जो कल उस तरह में विशेष करके चोरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे ब्लेड पकड़ कर कैसे चाकू काटोगे ना, कब तुम्हारी माल चला गया पता ही नहीं चलेगा, कब तुम्हारी माल चली गई, जहाँ भीड़ ज्यादा होता है ना इंडिया में बहुत ज्यादा, कब उन्होंने पकड़ कर, कब अब पता नहीं जाकर देखो पकड़ खा लिया होगी है, उसका भी कोई गुरु, शराब पीने वाले का कोई गुरु है, है देखना वो सारे सिगरेट फूकने वाले गुरु है, ड्रग्स खाने का ना कोई गुरु, सबका कोई एक गुरु होगा, बगैर गुरु के ज्ञानी नहीं होता, सबका एक गुरु है, इसलिए उसने कहा थोड़ी हमने कोई गुरु किया, हम तो अपने आप सीखा है। एक व्यक्ति ने किया, भैया और एक बार दिखाओगे, हाँ और एक बार दिखाओ, तो उसने क्या किया, फिर चाकू को इसे फेंका, फेंक कर जब पकड़ने के लिए ना बस उसका लक्ष्य चूक गई, चूक गई तो सीधा नाक के ऊपर गिरा, नाक ऊपर गिरा तो और नाक ही कट गई, उसका नाक ही कट गई। बोले अभी तक क्यों सक्सेसफुल हो रहा था, कारण है अभी तक उसने गुरुजी को अपमानना नहीं किया है, गुरुजी को अपमानना नहीं किए, इसलिए था तो गुरुजी चिड़िया, चिड़िया सिखाता तो गुरुजी चिड़िया से, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल रहा तो गुरुजी को अपमान नहीं किया, लेकिन जो गुरुजी को नेगेटिव कर दिया ना बस नाक ही कट गई है। इसलिए यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने इसलिए भेजे कि ये नित्यानंद आदिगुरु नित्यानंद प्रभु, क्योंकि कृष्ण सेवा को शिक्षा देने वाले गुरुदेव ही है। कहते गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक, गु मतलब अंधकार, रु मतलब आलोक, जो अज्ञान को हटा करके जो दिव्य आलोक को जो संचार करते हैं, इसलिए वो गुरु का काम है, हैं? इसलिए एक नित्यानंद प्रभु, दूसरे कौन थे, हरिदास ठाकुर। कहते हरिदास ठाकुर कौन, ब्रह्मा, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा। और हरिदास ठाकुर कितना हरिनाम करते थे, 3 लाख दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे, हैं? इसलिए 3 लाख, इसलिए महाप्रभु इनका नाम रखा नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य उनको बताया, मतलब किया है अगर किसको शुद्ध नाम करना तो कहते श्री हरिदास ठाकुर को अपना शिक्षा रूप में लेनी चाहिए। इसलिए उन भक्त विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम हरि नाम चिंतामणि, क्या नाम है, हरि नाम चिंतामणि, हरि नाम चिंतामणि, वो ग्रंथ का नाम, हरि का नाम किया, बोले हरि नाम नहीं है चिंतामणि, बोले चिंतामणि किसको कहते हैं, बोले जो चिंता करो वही मिल जाएगा, जो चिंता करो वही मिल जाएगा, मतलब भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को लंग सके ना बिना ही भूल के राम, श्री राधे राधे बोलो, जिस सागर को लंग सके ना बिना ही भूल के राम, श्री राधे राधे, कूद गया हनुमान उसी को, कूद गया हनुमान उसी को, लेके हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, श्री राधे राधे, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, श्री राधे राधे, सारी खेचत हारा दुशासन, सारी खेचत हारा दुशासन, साई बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, जल डूबत गज राज पुकारा आए आधे धाम, श्री राधे राधे बोलो, जय राज पुकारा आए आधे धाम, श्री राधे राधे, आ
पर बताए जो नाम है ना ये चिंतामणि है, हैं नाम, जिस समय गजराज डूब रहा था केवल ना रा दो अक्षर लिया, अभी यण नहीं लिया, ना रा दो अक्षर बुलाया तो इतने क्या हुआ, भगवान को जीवन में कहते दो बार जल्दी मची है, ठाकुर को जीवन में दो बार जल्दी मची, बोले कब जल्दी मची है, बोले एक तो गजराज को उद्धार का समय पर, क्योंकि उसको मगरमच्छ पकड़ कर पानी में खींचते हुए ले जा रहा था, हैं इतने में भगवान ने क्या किया, रा केवल ना रा बोले, यणा भी बोले नहीं, ना रा बोले, इतने में उन्होंने चक्र आया और मगरमच्छ को काट दिया, जब काट दिया इतने में भगवान ने बोले, भगवान ठाकुर जी आकर के बोले तुम ये क्या कर रहे हो, हैं इतने में उसको उद्धार हो गया, किसको उद्धार हो गया, मगरमच्छ को उद्धार कर, ठाकुर का हाथ में मरे ना, भगवान का एक नाम हत्यारी गति दाय, मतलब भगवान के हाथ से मरने से गति को उद्धार हो जाता है, इतने में ठाकुर जी बोले तुम ये क्या कर रहे हो, बोले शास्त्र तो बोलता है संतों का चरण पकड़ो, संतों की चरणों की पकड़े बगैर जीव का तो उद्धार होता ही नहीं, इसलिए गजराज कौन है, कहती ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा था, कहती ये मगरमच्छ कौन था, कहती ये था हु गंधर्व, ये था स्वर्ग का जोकर, जोकिंग करते ना हंसाते हैं, हैं हंसाते हैं, इसलिए एक समय ये अगस्त मुंशी पानी में तर्पण कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, वो था जोकर था स्वर्ग का, हु गंधर्व था, इतने में देवता को बोले आ जाओ तुमको भी आज जोकिंग करूंगा हंसाऊंगा आ जाओ, देवता को बुला करके ले आए, और उसने किया क्या कि जैसे पानी में वो तो तर्पण कर रहे थे ठाकुर को पानी अर्पण कर रहे थे, उसने पानी को अंदर में ना जा जा करके वो ऋषि का प्यार पकड़ लिए, पकड़े तो खींच दिए, वो तो ठाकुर जी को तर्पण कर पानी दे रहे थे, वो डर गए बोले भैया कोई मगरमच्छ तो नहीं, हाँ वो डर गए क्या हुआ, इतने में वो थोड़ी दूर में जाकर निकला हा हा आगरा से, और सारे देवता स्वर्ग लोग देवता सब हंस रहे थे, ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले दुनिया में कोई नहीं मिला हंसी दिलाकर, संत ही मिल गए तेरे को, तेरे को वैष्णव ही मिले, भक्त ही मिला हंसी दिलाकर, और दुनिया में कोई नहीं मिला, बोले तेरे जो क्रिया है ना मगरमच्छ जैसे तुम्हारी काम है, तो मगरमच्छ बन गया, अब बोलते ही मगरमच्छ बनना शुरू हो गया, बोले उधार कैसे होगा, उधार कैसे होगा, बोले ठाकुर तेरे को उधार करेंगे, और ये इंद्रदुम्न राजा ये हाथी बने, बोले ये हाथी क्यों बने, बोले एक समय देखो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है, एक समय ये इंद्रदुम्न महाराज ठाकुर जी को सालग्राम का सेवा पूजा कर रहे थे, सालग्राम का स्नान करके सेवा पूजा कर रहे थे, इतने में अगस्त मुनि वहां पर आए, जब अगस्त मुनि आए उन्होंने देखा ऋषि आए, लेकिन आने पर भी उनको स्वागत नहीं किया, बोले आए तो चुपचाप बैठ जाएंगे, अभी तो मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ, ठाकुर जी को थोड़ी ठाकुर से ये थोड़ी बड़े हैं, हैं ठाकुर से ये थोड़ी बड़े हैं, अभी तुम्हें ठाकुर का सेवा पूजा अपने आप बैठ जाएंगे, अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोले हाँ तुम ठाकुर का सेवा पूजा तो कर रहे हो ठीक है अच्छी बात है, लगता है किसी संतों की अनुगत्य से तुमने सेवा नहीं करते, तुमने संतों से भजन का जो परिपाटी संतों से सीखा नहीं, शास्त्र कहता है कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं बली हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं, अगर भगवान खड़े हैं गुरु जी अगर खड़े तो पहले किसकी चरण में प्रणाम करनी चाहिए, गुरु जी की चरण में, क्योंकि गुरु ही तुम्हें भगवान की चरण गुरु जी पहुंचाने वाले तुमको हैं, इसलिए भगवान कहते हैं बोले प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन सिद्धिमाप्नोति अन्यथा निष्फल भवेत्, भगवान खुद कहते हैं बोले जो व्यक्ति डायरेक्ट मेरी पूजा करता है, डायरेक्ट मेरी पूजा करता है कहते मैं उनको गारंटी नहीं दे सकता हूं वो मेरे को पाएंगे, भगवान खुद कहते हैं हैं मेरे को पा सकता मैं कोई गारंटी नहीं, अगर मेरी कोई भक्तों की पूजा करता है ना मैं गारंटी दे सकता हूं वो मेरे को पाएगा, जरूर मेरे को प्राप्त करेगा हैं, जरूर मेरे को प्राप्त करेगा, इसलिए अगस्त ऋषि ने कहा हाँ ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन किसी साधु की अनुगत्य तुमने सिखा नहीं, हाथी जैसे तेरे व्यवहार, हाथी को देखे हो, देखे हो हाथी को मस्त जैसे चला हाँ देखे ना हाथी कहते डोंट केयर, वो किसी को केयर नहीं करता, मस्त जैसे चलता है, कहते यार व्यवहार है ना हाथी जैसे तेरे व्यवहार है, हाथी हाथी जन्म को प्राप्त करते,
जो बोल दिया ना, अभी हाथी बनना शुरू हो गया, क्योंकि अगस्त ऋषि जी ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को जो पान कर लिया था, समुद्र को जो पान कर लिया था, इतने पराक्रमी अगस्त ऋषि। हाथी जो बनना शुरू, सारे नशा उतर गया, खड़े हो गए, चरण में गिर पड़े, बोले बाबा के माफ कर दो, अपराध हो गया, अपराध हो गया। संत दयालु होते, बोले ठीक है हाथी बन, ठाकुर जब आएंगे तेरे ऊपर में कृपा करेंगे। इसलिए जब ठाकुर जी आए कृपा करें, इसलिए जब मगर मच्छी को बोले, बोले ये क्या कर रहे हो, बोले शास्त्र तो कहता है संतों को चरणों पकड़ो, संतों के चरणों पकड़े मगर उधार नहीं होता, आप तो शास्त्र कहता है, मैं शास्त्र को तो फॉलो कर रहा हूँ। बोले चरणों पकड़ो मतलब इसे खून पी लो, तुम चरण पकड़े हो किसको, हाथी इंद्रदमन राजा, किंतु ऐसे थोड़ी चरण पकड़े, इधर खून पी लो, पकड़ पकड़ मारना लो, ऐसे थोड़ी चरण बोलते चरण पकड़ो। फिर ठाकुर जी उनको कृपा किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब उन्होंने ना राखर दो बोले, इतने में सुदर्शन चक्र आकर काट दो। द्रौपदी ने जब नाम पुकार झट आ गए घनश्याम, जो भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, कहाँ भगवान थे द्वारका में, कहाँ हस्तिनापुरी में वस्त्र हरण हो रही थी, जब उन्होंने बोले हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरि, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, हे कृष्णा दीन बंधु, तेरे सिवाय और कोई मेरे नहीं, मैं तो सोच रहा था मेरे पांच पांच पति इतने बलवान महायोद्धा इनके बराबर कोई नहीं थे इतने, मैं सोच रहा था ये मेरे को रक्षा करेंगे। यहाँ पर गुरु वर्ग भीष्म पितामह भीष्म जिनके मुंह से एक बोली निकले कोई काट नहीं सकते हैं, ये भी रक्षा नहीं किए। द्रोणाचार्य जिनके बराबर योद्धा कोई नहीं, ये भी रक्षा नहीं किए। कृपाचार्य धृतराष्ट्र हे गोविंद तेरे सिवाय जगत में कर कोई है नहीं, तू रक्षा कर। जब दोनों हाथ उठाए इतने में ठाकुर जी वस्त्र रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी न, नारी स्वयं साड़ी लगी। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसको भेजा, एक नित्यानंद प्रभु को और एक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन है, ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, जो रोज रोज 3,000,000 हरिनाम करते थे। क्योंकि कलयुग में एक तो नित्यानंद प्रभु का चरण आश्रय लेनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु तत्व है। गुरु जी की चरण आश्रय ले करके फिर गुरु जी से लेनी क्या चाहिए, नित्य श्री हरिदास ठाकुर से नाम को ग्रहण। गुरु हमें क्या दिया, मालाई तो दिया है ना, गुरुदेव तो हमें मालाई दिया, ठाकुर का नाम जप करो हैं। एक समय गुरु जी बोल रहे थे मैं सोच रहा था गुरु तो मेरे कुछ दिया ही नहीं, गुरुदेव के लिए मालाई दिया। गुरुदेव हमें सिखा देने के लिए बोल रहे थे, बोले गुरुदेव तो हमें कुछ मालाई दे दिया और तो कुछ तो दिया ही नहीं। तो महाराज कहते थे जब मैं जितना हरिनाम करते रहा, जितने मैंने हरिनाम करते रहा, मैंने देखा नाम के क्या प्रभाव मैंने देखा। गुरुदेव कहते थे बोले जो इच्छा करता था वही मिल जाती थी, इसलिए नाम को चिंतामणि बताया। क्या बताया, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिल जाए। जैसे हनुमान शंकर जी दिन भर हरि का नाम कर रहे, सारा दुनिया को देखो, सब कुछ दुनिया को देते। इसलिए एक उदाहरण देकर समझे, आप भी समझो। जैसे आप रास्ता में जा रहे हो, आपके हाथ में खाली झोली है, खाली झोली रास्ता में जा रहे हो, आपने देखा 50 जिसका कोई मालिक नहीं, लेकिन आपके हाथ में खाली थैली, कोई मालिक पड़ा हुआ, क्या करोगे बताओ? हम लोग बड़े चालाक उठा, क्योंकि हम तो चोरी नहीं कर रहे ना, उसको किसका कोई मालिक तो है नहीं, हम जितना हो सके भरेंगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, फिर देखा 100-100 रुपया डॉलर गड्डी की गड्डी पड़े हो, इसका कोई मालिक नहीं, लेकिन थाली तुम्हारी भर गया, आप क्या करेंगे बोलो? कुछ सोना ले लेंगे, तो बहुत सारी कीमत है ना सोने की, हैं? सोने की फिर उसको सोने को हम भरेंगे, देखो उसमें बहुत बड़ी चीज सिखा दे रहे हैं, सोने भरेंगे। लेकिन और थोड़ी दूर जब गए ना, हमने देखा वहां पर पड़े हुआ पारस पत्थर, नाम सुना कि पारस पत्थर जो लोहे को भी सोना बना देती है, लोहे को सोना बना देती है। हमने देखा थोड़ी दूर जा करके वहाँ पारस पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर क्या करोगे, सब फेंकेंगे, क्योंकि लोहे और कितना बचा, लाओ
टच करो सोना होते जाएगा, सोना होते जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम पारस पत्थर को लेकर जाएंगे हैं। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, भागवत में एक वर्णना दसम स्कंध में जिसका नाम समंतक मणि, ये जो समंतक मणि है ये सूर्यों के पास में था हैं। ये जो सत्राजीत जिसका बेटी सत्यभामा है, कृष्ण की जो पत्नी सत्यभामा, इसका पिताजी को साथ में सत्राजी को साथ में सूर्य का था, मित्र था, इसलिए उन्होंने अपना मित्र को प्रसन्न होकर के उन्होंने समंतक भागवत में जो दसम स्कंध में वर्णना दी, जिसकी जो समंतक मणि है ना उससे सोने की चट्टान अपने आप निकलती है, सोने कहते अष्ट भार, कितने हजार किलो सोना अपने आप निकलती है। आप पढ़े होंगे वो जहां गया ना, जहां गया सोने की चट्टान निकलती है, अक्रूर के पास में गया तो सोना की चट्टान, दान पुण्य, बोले भैया ये क्या बात क्या है हा? जहां जिसको जिसको पास में जाए, लेकिन ज्यादा पैसा जहां फिर अनर्थ वहां पर आने शुरू हो जाती है, जहां पैसे ज्यादा रहेगा ना अगर ज्यादा लिमिट से ज्यादा वह अनर्थ होना, जहां जाए फिर लड़ाई झगड़ा अशांति होना शुरू, क्योंकि सोना इतना निकलता है, इतना सोना निकलता है, लड़ाई झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है वहां पर है, इतने अशांति शुरू हो गया। कहती है इसको कहते सेमंत गमणि, अगर थोड़ी दूर गए तो सेमंत गमणि मिला, फिर क्या करेंगे, सब फेंकेंगे, फेंकेंगे क्यों, लोहे लाओ टच कराओ फिर तो सोना बनेगा, लेकिन इसमें तो अपने आप सोना चटा दिया। सेमंत गमणि उन्हें लिया, जब लिया लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, बोले उससे भी कीमती चीज मिला है कि जिसका नाम कहते चिंतामणि, क्या मिला चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिल जाए, जैसे सेमंतक मणि वो केवल सोना ही सोना देता है, अगर आपको बढ़िया बढ़िया आज पिज्जा पास्ता रसमलाई राजमा चावल और डोसा सांभर इडली, अगर खाने की बढ़िया कपड़ा पहने घर, वो नहीं देगा, वो सोना ही सोना ही देगा, आप थोड़ी सोना सोना खाओगे, अगर दुनिया अगर सोना सोना हो गया थोड़ी सोना खाओगे हैं कुछ, इसलिए कहते जो ये वो तो केवल सोना देता है, लेकिन जो चिंतामणि है, चिंतामणि का विशेषत्व ये है जो मांगो जो मांगो चिंता, जो चिंता करते ही इच्छा पूरी कर देगा, इसको कहते चिंतामणि। कहते ये चिंतामणि क्या है, इसलिए भागवत में बताए बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिर्नत्वात नाम नाम। कहते जो भगवान का जो नाम है हरी से बड़ा हरी का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, जो हरी का जो नाम है हरी से बढ़ करके भी हरी का नाम है चिंतामणि, जो मांगो यही मिलेगा। इसलिए हम गुरु जी कहते थे जैसे हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या, रघुपति राघव राजा राम पति पाप, यही करते हैं। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले महामंत्र जय जपत महेशा पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी यही प्रभु का नाम जप करते, माता देवी क्या करती है माला देखो हाथ में माला ही जप करती। गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जेई प्रिय संग भवानी, शंकर जी पार्वती को इतने क्यों प्रिय करते हैं, कारण क्या है, बोले कारण है पार्वती दिन भर प्रभु का नाम ही जप करती है। अब ब्रह्मा जी के चार हाथ देखना, एक हाथ में माला है, सरस्वती के चार हाथ देखे एक हाथ में माला है, भैया माला की बगैर जीव का कोई गति नहीं, इसलिए बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी जसोदा माने, माला जपी थी जसोदा माने, मिल गया मुरली माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी गौरा माई, 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 मिल गया डमरू माला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया डमरू माला।
जफेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, दिल वाला जिसका दिल मजबूत है ना वही प्रभु का नाम जप कर सकता है। जिसका दिल मजबूत नहीं है ना, बोले भगवान का नाम जो करो, लोग बोले क्या तू साधु बन गया है? कभी शर्म लगता है ना भगवान का माला जप करके दुनिया बोला अरे साधु नहीं बनेंगे क्या चोर बनोगे? बनना तो साधु ही तो बनना है, थोड़ी चोर बनना है। इसलिए कहते जपेगा कोई दिल वाले, जिसका दिल मजबूत है ना वही प्रभु का नाम को जप कर सकते। इसलिए आप लोग जो माला कर रहे हो ना, आप दिल वाले समझे सब, दिल वाले, दिल वाले तब प्रभु का नाम को ही जप कर सकता है। इसलिए उन्होंने किसको भेजा? हरिदास ठाकुर को भेजा, क्योंकि हरिदास ठाकुर से क्या शिक्षा लेना है? हरि के नाम को शिक्षा लेना है। और हरि का नाम से गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे जब मैंने माला जप करना शुरू किया, जब शुद्ध नाम करना शुरू कर दिया ना, गुरुदेव कहते थे मेरी जब कोई छोटी सी कोई इच्छा होती थी सब इच्छा पूरी हो जाती थी। छोटी सी कोई इच्छा हुई होती पूरी हो जाती। अभी प्रश्न हमारे क्यों पूरी नहीं होता? कारण क्या है? बोले गुरुदेव का पीछे कारण है, हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे। हमारे जो नाम अपराध जुटता नाम है, हमारे अनर्थ जुटता नाम है, अभी हमारे शुद्ध नाम नहीं है हमारे है, उसमें अपराध है इसके अंदर में। इसलिए जो भगवान के जो नाम इच्छा पूरी नहीं करता है, दुनिया को हनुमान नाम के प्रभाव से दुनिया को दे रहे हैं, शंकर नाम के प्रभाव से दुनिया को सब दे रहे हैं, सब कुछ नाम के प्रभाव से। अभी हम हरि नाम हमारे शुद्ध नहीं है, इसलिए नाम का फल हमें सही नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए हमें अच्छे तरह से हरि की नाम जप करना चाहिए। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया ना, पौने आठ भाई ना, खत्म कर देना, खत्म कीर्तन कर देते, खत्म कर देते कल फिर ना। और दो कारण फिर कल सुन गए, चार कारण उन्होंने बताए थे कि उन्होंने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को जगत में क्यों भेजा, दरवाजा दरवाजा पर क्यों भेजा है। हम लोग ना आज दो कारण सुने, आठ बजे ले, अभी तो 15 मिनट है। इसलिए दो कारण हो गया, क्या हो गया बताओ? पहला कारण क्या था कौन बोलेगा? बोल पहला कारण क्या था पंडित जी? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो उनके अंदर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं, तो वो इस तरह से सृष्टि करते और ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते, इसलिए हरिदास ठाकुर को भेजा। दोनों सृष्टि करता है तो दोनों पिता की और माता पिता की वो भूमिका में है एक तरह से। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भगवान का भजन करना है, इसीलिए भगवान ने उनको भेजा। दूसरा कारण हम ही बता दें, वो गुरु रूप में है दोनों। वो हरिदास ठाकुर नाम आचार्य है, तो वो चिंतामणि नाम की महिमा नाम वो बतलाना चाहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर से हमें क्या लेना है? हरि के नाम हरिदास ठाकुर से हमें लेना है। और नित्यानंद प्रभु को क्यों भेजे थे? नित्यानंद प्रभु गुरुदेव है, इसलिए हमें गुरु जी की शरण में हमें जानी चाहिए। गुरु जी की शरण में जाकर के उनसे लेना क्या चाहिए? हरि की नाम हमें लेनी चाहिए। कहती है कितना कारण हो गया? दो कारण है। इसका तीसरा कारण देखो, तीसरा कारण कहते श्री बलदेव प्रभु कौन है? कहते ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म है। हमारे भारत में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानते ना, ब्राह्मण कुल जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल मानी जाती है, इसलिए उन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कहते हरिदास ठाकुर जी कौन सा कुल में जन्म हुए? यवन कुल, मुसलमान कुल में, यवन कुल में जन्म हुए। नीचे उनको नीचे जाति मानते हैं, इसलिए उन्होंने दो व्यक्ति को भेजे। यहाँ पर शिक्षा दिया है, अगर केवल उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजते, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल व्यक्ति को अगर भेज देते तो
अब देखना जब कोई व्यक्ति प्रचार करने के लिए जाता है यहाँ पर तो सब बराबर सब, यहाँ पर तो इतना ये नहीं, लेकिन हमारे भारत में आप लोग भारत से आए हो, आप देखना जैसे व्यक्ति प्रचार करने के लिए जाएगा उसको देख करके वैसे व्यक्ति आते हैं। जैसे व्यक्ति को आप भेजोगे ना उसको देख देख करके ठीक वैसे व्यक्ति आते हैं, हैं? वो वैसे व्यक्ति उनकी प्रभाव से बेचारी अमुक व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम कर रहे ये कर रहे उसको देख कर वैसे व्यक्ति आएंगे हैं। और इसलिए सोच रहे थे अगर हम नित्यानंद प्रभु को दुनिया में भेजे लोग ये समझेंगे ये जो भक्ति है ना वो जो ब्राह्मण कुल में जो उच्च कुल में जन्म हुए है केवल उनका धर्म है, जो साधारण जो व्यक्ति नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने इसको भेजे हरिदास ठाकुर को भेजे। हरिदास ठाकुर कौन कहती है जवन कुल में जन्म हुए नीचे जाति में जन्म हुए हैं इसको, इसलिए इसलिए ये दो व्यक्ति को उन्होंने भेजे हैं। ये अगर ये दो व्यक्ति को अगर भेजेंगे तो क्या होगा सब लोगों को बोले शास्त्र कहता है जात पात पूछे ना कोई हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले ए मन की करे वरण कोला जय को लेके ना जनम नहाय केवल भकति मोला, ए मान की करे वरण कोला। ये भजन में गा रहे हैं प्रेमानंद ठाकुर जी, कहते हैं मन तू कुल को कैसे बड़ा मान लिया, तुमने जात को कैसे बड़ा मान लिया, बोले जय कुले के न जन्म ना है भले ही किसी कुल में अगर प्रभु की भक्ति जन्म जन्म लेता है तो वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उदाहरण दिया है, उदाहरण क्या दिया बोले कपि को ले धन्य वीर हनुमान श्री राम भक्त राज राक्षस हैया विभीषण वैसे ईश्वर सभार माज। उदाहरण दिया है हनुमान जी, हनुमान खुद कहते हैं रामायण में सवेरे उठ करके क्योंकि मेरे मुंह देख लिया ना मेरा नाम ले ले दिन भर भोजन नहीं मिलेगा उसको, बोले क्यों बोले ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है बंदर घर में कोई बंदर घुस जाए ना घर अपवित्र हो गया बंदर घुस गया टाटी पेशाब करके चला गया हम दो दिन बोलते हैं ना दो दिन, लेकिन हनुमान जी कहते देखो जात मेरे तो बंदर है लेकिन मैं राम की भक्ति करता हूँ राम का मैं भजन करता हूँ। अब भारत में देखना जितने भगवान राम का मंदिर होगा ना उससे ज्यादा हनुमान की मंदिर होगा है कि नहीं, घर घर में इतना राम को नहीं लेकर सब हनुमान को घर घर बैठे घर घर में। मैं मॉरीशस गया था, मॉरीशस में गया था वहां पर देखा ये हिंदू का पहचान कैसे वहां पर देखा हर घर के सामने हनुमान जी खड़े राम राम की मूर्ति नहीं देखा हर घर के सामने हमने देखा मॉरीशस में वहां पर हर घर के सामने हनुमान जी खड़े। यूरोप में गया था वहां पर भी देखा है वो आए कहाँ से सूरीनाम से वो सबके सब आए सूरीनाम से आए हैं सब वहां से, इसलिए कहते घर को सामने जरूर हनुमान जी वहां पर। इसलिए राम की जितने पूजा होती है उससे ज्यादा किसी की पूजा होती है हनुमान, बोले क्यों हनुमान जी कहते कि हमने राम की भजन किया है राम की मैंने भक्ति की जगत में जितने मेरे प्रभाव है केवल प्रभु राम की कृपा से ही प्रभु राम के नाम की कृपा से जगत में मेरी पूजा। दूसरे उदाहरण दिया विभीषण, विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुआ है लेकिन जब राम दरबार लगता है भगवान राम उनका मित्र है बंधु बन गए ना मित्र बन गए जिस जितने ऊंची सिंहासन के ऊपर में प्रभु राम बैठते हैं जब राम दरबार लगता है विभीषण भी उतने ऊंचे सिंहासन में बैठते हैं विभीषण उतने ऊंचे सिंहासन में बैठते हैं। इसलिए विभीषण जब रावण को समझाने के लिए गए बोले देख हम पुलस्त्र ऋषि के है वंशधर है पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना हमारे धर्म नहीं है सीता लक्ष्मी जा वापस दे माँ लक्ष्मी। इतने में रावण को इतना क्रोध है बोले मेरे को उपदेश दे रहे भाग जाए यहाँ से लात मारे भीषण को लात मार दिए। इतने में भीषण राज मुकुट को उतार करके उन्होंने आए प्रभु राम की शरण में आए। जब प्रभु राम की शरण में आए लेकिन जिस समय विभीषण जी अब रामायण देखे होंगे जिस समय विभीषण जी गए थे लंका में हाँ वहां पर
हनुमान जी से मुलाकात हुई। इतने में विभीषण ने कहा, देखो हनुमान मैं तेरे आके काम करता, तू मेरा आके काम कर लेना। बोले क्या है? बोले तेरे पास में बाप, मेरे पास में माँ। तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ, दोनों का पूर्ण काम होगा जब तो पिता माता जब मिले, तभी तो पूर्ण होगा ना। पिता माता जब मिले तभी तो पूर्ण होगा। तेरे पास में बाप है, मेरे पास में माँ, मतलब माँ मेरे पास में सीता, बाप तेरे पास में राम, इसलिए मैं एक काम तेरे लिए करता, तू मेरे लिए काम कर लेना। बोले क्या? बोले मैं माँ से मिला देता हूँ और तू मेरे को बाप से मिला देता, बाप से मिला तो पूरा हो जाएगा ना। बाप माँ मिले तब तो पूरा होगा, तब पूरा कैसे होगा। बोले ठीक है। तब उन्होंने बोले जाओ अशोक वाटिका में माता सीता जी को, अशोक वाटिका में माता सीता जी को मिलो। तो वो गए माता सीता जी को, उन्होंने मिले वहां पर। जब मिले बोले देख मेरा काम तो कर लिया, अभी तेरा काम बाकी रह गया। अभी तेरा काम बाकी रह गया। इतने में विभीषण जब लात मारी ना, इतने में विभीषण को जब लात मारी, विभीषण ने मुकुट उतार करके आ गए। जब आ गए तब वहां पर सब पूछे, भैया तू कौन है? इतने बंदर पूछे। बोले मैं रावण का छोटा भैया। सुनते ही ना उसको रस्सी में बांध दे, विभीषण को रस्सी में बांध दे। विभीषण रस्सी में बांध करके लेकर के आए। इतने में विभीषण सोच रहा है, हनुमान जी को मैंने बताया था बाप से मिला था ना, मेरे को रस्सी से बांध, मेरे को रस्सी से बांध करके ला रहे हैं। जब लाए इतने में विभीषण को तो रस्सी से बांध दे, इतने में वो आकर के देख रहा है कोई जान परिचित व्यक्ति यहाँ है कि नहीं। यहाँ पर देखा हनुमान जी को, देखा देखते कलर ऊंचा हो गया उसका, इसका कलर ऊंचा हो गया। क्यों? जैसे जहां पर देखा मेरा कोई परिचित व्यक्ति है, मेरे कोई मदद कर सकता है, हैं कोई, इसे उसका कलर ऊंचा हो गया। जब ऊंचा हो गया इतने में हनुमान जी बोले कैसे हो? बोले एकदम बात मत करो। बोले एकदम बात मत करो। बोले क्यों? बोले तू गया था लंका में, मैंने कहा तेरे पास में बाप, मेरे पास में माँ, दोनों दोनों को मिला दो हो जाएगा, तेरे को मैंने माँ से मिलाया था, अब तेरे काम बाप से मिलाना, देखो मेरे को रस्सी में कैसे बांध करके लाए। तब हनुमान जी पूछे, ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया रावण का छोटा भैया। बोले रावण का मैं छोटा? बोले तभी तो तेरे को बांध करके लाए। अगर तू इतना परिचय देता, मैं हनुमान का मित्र हूँ, तेरे को स्वागत करके दिया, तेरे को स्वागत के ताली बजाओ, स्वागत करके लिया तुमको यहाँ पर, लेकिन पहले से तुमने गलत परिचय दे दिया है। इसका मतलब क्या? शिक्षा देते हैं, अगर कहीं जाओ है ना, अपना अभिमान को मत दिखाओ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हम कौन हैं, मतलब दासानुदास, दासानुदास परिचय देते हैं। अपना जो परिचय दे ना, क्या परिचय दो? हम अमुक व्यक्ति, अमुक पद नहीं, बोलो हम संतों के दासों के, दासों के हम दास है, संतों की है, ये परिचय हमें देनी चाहिए संतों की। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान खुद कहते हैं, अगर कोई कहते हमारे चित्र के तू महाराज है, वित्रा शुरू कहते दासानु दास भवितास में वो, हे प्रभु मैं आपका दासों का, दासों का, दासों का मैं दास हूँ, बस ये परिचय दो, जल्दी काम हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। समझ रहे हो? अहंकार से काम नहीं बनता है, दीनहीनता में काम बनती है। इसलिए बोले गलत प्रमाण, तुमने गलत तुमने परिचय गलत दिया है, इसलिए गलत परिचय नहीं। इतने में जब विभीषण आए ना, इतने में भगवान राम उसको राज तिलक लगा दिए। बोले लंकेश, इतने में वहां पर विभीषण था सुग्रीव, बोले क्या बोले ब्रो अब लंकेश बोल रहे हो? हाँ लंकेश विभीषण का ब्रो, अब लंकेश कैसे कह रहे हो? लंकेश तो रावण है, हम थोड़ी लंकेश है। इतने में सुग्रीव पूछा, बोलो लंकेश कैसे बोल दिए? अभी तो रावण को मारा ही नहीं, अगर हो सकता है रावण 1% वो तो आएगा नहीं, अगर 1% माना आपके चरण में शरणागत हो गया, फिर अब तो विभीषण घोषणा कर दिया लंकेश। और भगवान जो बोलते हैं कहते सत्य व्रतम सत्यम परम धीमही, भगवान जो एक बार बोल देना वो सत्य है, कोई मिथ्या नहीं होता है। बोले आप लंकेश कैसे बोल दिया है? इतने में बोले तुमने तो बोल दिया। बोले फिर अगर रावण आ जाएगा क्या दोगे? बोले मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या दे दोगे? अयोध्या को तो भरत को देकर गए, राजा भी अयोध्या के, कौन भरत है? तो भरत को तो आप अयोध्या देकर के, फिर भरत हो क्या? अभी भरत हो क्या दोगे? बोले अपना वैकुंठ दे दो, अपना सांकेत धाम। बोले
रावण को दे दोगे अयोध्या और भरत को दे दोगे संकेत और विभीषण को दे दिया लंका। आप कहाँ रहोगे? तुम्हारी स्थान है कि नहीं? बोले भैया मेरे को स्थान की जरूरत नहीं, कहते मत भक्ता जत्र गायति तत्र प्रतिष्ठा में नारद। हे नारद, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, भक्तों का हृदय मेरे स्थान, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। मतलब भगवान कितने दयालु, देखो ठाकुर जी कितने दयालु, ठाकुर जी सारा सब कुछ को देकर स्वयं पकड़ होकर घूमते हैं ठाकुर जी। भगवान के लिए कोई जगह नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर उन्होंने किसको भेजा, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को। दोनों को क्यों भेजा? इसलिए दोनों को भेजे भगवान की भक्ति में बड़े से बड़े व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति भी भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में कोई जात पात कोई विचार नहीं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जई भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलाद विचार। भगवान की भक्ति में जात का तो कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं विप्रात दुई सड़गुण अर्जुन नाव पधारा बिंदात विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। वो कहते हैं ब्राह्मण का बार गुण होता है, अभी तो कलयुग में ब्राह्मण का एक गुण भी देखना कठिन है। बार गुण जो बताया एक गुण ही बहुत कठिन है, क्योंकि सम धम तितिक्षा ये सब गुण होता है, हैं सारे इंद्रियों को दमन करना कृपाल अकीर्त। कहते अभी एक गुण, कहते मानो किसको अंदर बार गुण है, किसको अंदर बार गुण जो पूर्ण रूप में, लेकिन ये भगवान से भक्ति से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। कहते उसके उससे के चंडाल श्रेष्ठ है, कहते उससे के चंडाल श्रेष्ठ। बोले क्यों? इसलिए कहते हैं जो ब्राह्मण दूसरों को क्या उधार करेगा, खुद का कल्याण नहीं कर पाए, भक्ति नहीं करता है, भले जितना गुण क्यों नहीं हो भक्ति नहीं करते तुम्हारी कोई महत्व नहीं है। इसलिए एक चंडाल कहते भक्ति करता है, खुद तो उद्धार हो गया। और भगवान नरसिंह देव कहते हैं त्रि सप्त भी पिता पुत्र, उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाए, भक्ति के प्रभाव से 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति की इतने महिमा। इसलिए उन्होंने नित्यानंद हरिदास ठाकुर इसलिए भेजे, कारण यही है भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए ये नहीं ऊंचा नीचा कोई जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजन सो हरि का, जो हरि का भजन करता है वो हरि के है, जो भजन नहीं करते हैं सो बेकार है। इसलिए दो व्यक्ति को भेजा, ठीक है, याद रह गया, सब पंडित हो गए। इसलिए फिर कल और सुनेंगे। इसलिए आज तो मैं सोच रहा था ये कीर्तनों को व्याख्या करूंगा, और मैं सोच रहा था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और रथ यात्रा सुनेंगे और क्या करेंगे, गुंडीचा मंदिर कैसे महापुरुष भक्तों को लेकर कैसे महापुरुष कैसे मार्जन करते हैं, कैसे उसकी सोच रहे थे उसको सुनने के लिए, लेकिन आज अलग बात सुन ली, कोई बात नहीं। हरि अनंत हरि, ठीक हरे कृष्ण, ठीक हरि। अब बोल दो अभी जो मैं बोला, चलो ठीक, कल से हम जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे। कल वहाँ पर है ना, जाएंगे गोलकोस जाएंगे ना, गोलकोस के बीच में पहले, गोलकोस से पहले। हरे कृष्णा, हाँ सब एक बार खड़े हो जाओ, भगवान का कीर्तन में नाच लेंगे, ठीक है। और माइक कहाँ है, माइक कहाँ गया, अरे माइक कहाँ में आएगा, ले हरे कृष्णा हरि बोल। तो भाई ऊपर रख लो, जैसे आवाज सब जगह जब जाए ऊपर में रख लिया, हाँ तेज कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरि बोल। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीअद्वैत गदाधर शिव गौरवासवृन्द, श्री कृष्ण चैतन्य
Raghuni Nityananda Shiva Dvaita Ganadhara Shiva Shadi Bhula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Bolo Sab Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Bolo Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Sai Gauranga Sai Gauranga Sai Gauranga Sai Gauranga Jaya Sai Gauranga Jai Satchidananda Jai Gaurani Jai Satchidananda Jai Gaurani Jai Satchidananda Jai Gaurani Jai Satchidananda Jai Gaurani Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari Bol
राधा विनोद बिहारी जी विजय नित लीला परमिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज विजय नित लीला प्रविष्ठ भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज विजय नित लीला प्रविष्ठ भक्ति विधांत वामन गोस्वामी महाराज विजय नित लीला प्रविष्ठ भक्ति विधांत स्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुशल गौरव गोविंद महाराज की जय नितलीला प्रभुष भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय माँ भागवत श्रील गौर किशोरदास स्वामी वाले महाराज जय सचिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ स्वामी बाजी महाराज की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हरिजी गोपाल भट्टदास रघुनाथ ईश्वर गोस्वामी प्रभु की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। राय रामानंद स्वरूप दामोदर आदि गौर पार्षद वृंद की जय। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभुत्रय की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपवर्धन राधा गुण श्याम गुण द्वादश सुनात्मक श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन चक्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। तुलसीदेव की जय। गंगा जमुना सरस्वती जी की जय। चार धाम चार संतरा चरि आचार्य जय। जय श्री गर्भदेव की जय। प्रहलाद महाराज सर्व विघ्न विनाशक सिंहदेव की जय। अनंत गौर भक्त वृंद की जय। ब्रज वृंद के समस्त भक्त वृंद की जय। पिताई गौर महाप्रसाद की जय।